नमस्कार फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल यात्रा विद विशाल पर। तो फ्रेंड्स, पिछले व्लॉग में हमने आपको जो इस होटल में रुके हैं उसका टूर दिया था और धर्मशाला से मैक्लोडगंज बाय रोड हम आए थे। तो फ्रेंड्स, अभी हम मैक्लोडगंज आ गए हैं। ये है मैक्लोडगंज का मेन चौक, मतलब मैक्लोडगंज मार्केट जो पड़ता है मेन, वो यही जगह है और यहीं से सारे रोड्स आगे जाते हैं अलग अलग डेस्टिनेशंस में। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। काफ़ी डेंस मार्केट है और इसमें ये रोड, दो रोडें जाती हैं। एक जाती है बागसुनाग वाटरफॉल की तरफ और दूसरी जाती है अंदर मार्केट में और सर दलाई लामा जी का जो टेम्पल है उसकी तरफ। बीच में ही पूरा मार्केट पड़ेगा और इस तरह के जो टेम्पल्स हैं, बुद्धिस्ट जो टेम्पल्स होते हैं जिस तरह के, वो ये पड़ते हैं। जैसे कि ये भी आप देखिए, इसको मोनेस्ट्री भी बोलते हैं और विहार भी बोलते हैं बुद्धिस्ट में। जहाँ भी बुद्धिस्ट कल्चर के लोग अपनी पूजा और वर्शिप करते हैं उसको मोनेस्ट्री या फिर विहार भी बोलते हैं। जैसे कि ये भी है, देखिए नेक्स्ट, इसमें ये होता है ये घुमाने वाला। इसका अलग ही यंत्र होता है ये, इसमें कि कहते हैं कि काफ़ी जो ध्वनियाँ निकलती हैं वो काफ़ी पावरफुल होती हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इसको बोलते हैं मनी प्रेयर व्हील। मतलब एक बार घुमाने से इसमें हज़ारों तरह की जो एक पवित्र ध्वनि निकलती है। कहते हैं इसको एक बार घुमाने से हज़ारों बार मंत्र बोले जाने का पुण्य प्राप्त होता है। और यहाँ आकर भी दोस्तों, सच में जो एक हर एक पूजनीय स्थल में जो एक शांति मिलती है, वही यहाँ पर भी मिलती है। ये देखिए, ये शॉप्स हैं, यहाँ पर बहुत शॉप्स हैं जो भी जिस तरह के जो आइटम्स हैं, मेटल आइटम्स हैं। और इसमें बुद्धिज़्म कल्चर मेन रोल प्ले करता है इन सारे आइटम्स में। तो बुद्धिज़्म कल्चर की जो चीज़ें हैं अलग अलग टाइप की, वो यहाँ पर खूब मिलती हैं। और फ्रेंड्स, बहुत ही डेंस मार्केट है सच में। आपको मतलब एक डेढ़ दो किलोमीटर अगर घूमेंगे भी तो एहसास नहीं होगा कि कितना लंबा चल दिए, और रादर मज़ा ही आएगा आपको, क्योंकि अलग अलग इतने सारे तरह तरह के शॉप्स हैं, कपड़ों के, शॉल्स के, हिमाचली शॉल्स के, और इस तरह के जो आइटम्स हैं, मेटल आइटम्स हैं, तो सच में बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, फिर से वही शॉप, सारे बुद्धिज्म आइटम्स हैं। यहाँ पर बेल्स हैं, जो ये बड़ा बेल का बुद्धिज्म कल्चर में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है और काफ़ी शुभ मानी जाती हैं घर में लगाने के लिए। अलग अलग तरीके की, अलग अलग डिज़ाइंस की बेल्स हैं यहाँ पर। और सारे ये मालाएं हैं जो बुद्धिज्म कल्चर माला जपते हैं, और ये बुद्धिज्म कल्चर की जो बुक्स हैं, लिटरेचर है, वो सारा यहाँ पर उपलब्ध है। ये देखिए फ्रेंड्स, धर्मशाला स्काई वे जो हमने आपको मैक्लोडगंज आते हुए रास्ते से दिखाया था, ये है वो कॉम्प्लेक्स जहाँ से ये स्टार्ट होती है और यहीं पर वापस आती है। और ये टाटा इसको रन करती है, काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है इसका। और इसका टैरिफ बता देता हूँ आपको, अगर आप एक तरफ का ट्रैवल करेंगे तो चार्ज है 480 रुपीज़ पर पर्सन। अगर आप आने जाने का दोनों को लेंगे तो 700 रुपीज़ है। कॉस्टली है, लेकिन हाँ, मज़ेदार रोमांचक यात्रा है फ्रेंड्स। देखिए, ये जा रही है केबल कार रेड कलर की। हम लोगों ने इसमें ट्रैवल नहीं किया क्योंकि हम पहले कहीं और भी कर चुके हैं और हमें कहीं और भी जाना था आगे, इसलिए हमने टाइम बचाया और हम आगे निकले दलाई लामा टेम्पल की तरफ। ये देखिए, ये पहुंच गए हैं। ये मेन गेट है सर दलाई लामा टेम्पल जी का। और ये देखिए बुद्ध विहार, यहाँ पर लिखा भी हुआ, जैसे मैंने बताया था ना, जो भी पूजा की जगह होती है वो विहार भी कहलाती है बुद्धिज्म में। तो ये भी जगह है बुद्ध विहार। ये है मेन एंट्री और बहुत बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये, अभी आपको अंदर से दिखाएंगे। और अंदर ही काफ़ी इनके प्राचीन टेंपल्स हैं और जो इनके जो गुरु हुए बुद्धिज्म के, वो सब अंदर टेंपल्स में उनकी बड़ी बड़ी स्टैचूज हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। अंदर एंट्री करते ही ये बोधि आर्ट्स, बोधि गार्डन्स नाम की एक शॉप मिली है जो बुद्धिज्म कल्चर के ऑथेंटिक आइटम्स को सेल करती है। ये देखिए, ये अंदर का कैंपस स्टार्ट हो गया और काफ़ी ह्यूज कैंपस है ये।
ये हम लोग अंदर एक फ्लोर पे पहुँचे हैं और ऊपर जो इसके ऊपर का जो नेक्स्ट फ्लोर दिख रहा है वहाँ पर टेम्पल्स हैं, दलाई लामा का जो टेम्पल है, सर दलाई लामा का। तो अभी चलेंगे ऊपर, आपको दिखाएंगे। हम पहुंच गए हैं ऊपर वाले फ्लोर पे और ये देखिए आते ही दर्शन हुए हमें भगवान बुद्ध की एक खूबसूरत विशाल मूर्ति के। बहुत आनंद आया इनके दर्शन करके। और अंदर एंट्री करके जब हम मेन मंदिर में पहुंचे तो देखिए यहाँ पर इनके भगवान बुद्ध की ये बड़ी सी स्टैचू है। शांत मुद्रा, बिल्कुल मतलब परम शांति मिलती है भगवान बुद्ध की ये मूर्ति को देख करके। और ये बहुत ही जो प्राचीन गुरु हुए, इनका नाम उनकी मूर्ति है और उनका नाम है आचार्य पद्म संभव। भारत के विख्यात सिद्ध पुरुष थे और 8वीं शताब्दी में तिब्बत आए। उन्होंने ही बुद्धिज्म कल्चर का खूब प्रचार और प्रसार किया और बहुत ही पुराने गुरु हुए। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे होंगे अंदर की ये छोटी छोटी बाउल्स में यहाँ एक जल रखते हैं, बड़ा पवित्र जल होता है और ये बुद्धिज्म कल्चर में ही है जल रखने का जो एक यहाँ पर ट्रेडिशन है वो अंदर रखा जाता है छोटी छोटी कटोरियों में। अब हम पहुँच गए हैं तिब्बतन रिफ्यूजी मार्केट, जो आप लोगों ने अपने अपने शहरों में भी कभी कभी लगते हैं हर जगह, तो सेम स्टाइल में है। अलग अलग तरीके के जो वुलन कपड़े हैं वो मिलते हैं, बाकी ऐसा कुछ बहुत खास नहीं था। हाँ, लेकिन हाँ, जो तिब्बतन शॉल्स हैं यहाँ पर, हिमाचली शॉल्स हैं, वो भी काफ़ी यहाँ अवेलेबल थी। अब हम लोग चल दिए हैं फ्रेंड्स यहाँ मैक्लोडगंज का नेक्स्ट लोकेशन, भागसूनाग वाटरफॉल और भागसूनाथ का जो टेंपल है, जहाँ पर शंकर जी का टेंपल है, वहाँ अब चल दिए हैं हम लोग। तो चलिए चलते हैं और आपको वहाँ पे दिखाते हैं। तो हम पहुँच गए उस कॉम्प्लेक्स में और ये मेन गेट आप देख रहे हैं, ये गोरखा राइफल्स ने कंस्ट्रक्ट किया है। और चलते हैं अभी अंदर। और ये लेफ्ट हैंड में टेंपल का रास्ता है, थोड़ी सी स्टेयर्स हैं ऊपर जाके, लेकिन आपको थोड़ा सा आगे दिखा देता हूँ। जो यहाँ पर एक इतना जो मंदिर का जो कैंपस है, इसमें ये स्विमिंग पूल भी है एक, और काफ़ी बड़ा ये पानी आता रहता है ऊपर पहाड़ों से लगातार, ये कभी भी बंद नहीं होता और उसी से ये स्विमिंग पूल भी फिलिंग होता रहता है। काफ़ी बिल्कुल क्लीन वाटर है और यहाँ पर नहाना भी अलाउड है। तो चलिए चलते हैं भागसूनाग का टेंपल में और दर्शन करते हैं भगवान महादेव के। ये रहा टेंपल का कैंपस ऊपर, और काफ़ी बड़ा कैंपस है और प्राचीन भी है। तो चलिए दर्शन करते हैं। ये हैं वो शिवलिंग भगवान भागसूनाग। ओम नमः शिवाय। आप लोग भी दर्शन करिए। काफ़ी बड़ा और अच्छा शांति वाला कैंपस है ये पूरा। और ये देखिए पीछे से जाएंगे तो ये एक फ्लैट रोड, मतलब फ्लैट जगह है, काफ़ी मंदिर का ही पार्ट है ये। और यहाँ से देखिए नीचे का व्यू, जो ये पॉन्ड है और स्विमिंग पूल है भागसूनाग टेंपल का, वो यहाँ से काफ़ी अच्छा दिखता है। इसमें नहाने का समय भी देखिए गर्मियों में सुबह 5 बजे से शाम 8 बजे तक। ये देखिए ये जो मैं बता रहा था कि जो ये जो पानी है ये लगातार ही पहाड़ों से आता रहता है और ये फिलिंग करके और ये आगे भी चला जाता है कहीं। अच्छा, काफ़ी साफ़ पानी है और यहाँ लोग नहाते भी हैं, लेकिन हम लोग ने तो नहीं नहाया और यहाँ कोई नहा भी नहीं रहा था इस समय। ये देखिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं भागसूनाग जो वाटरफॉल है, जो मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, दूर जो दिख रहा है काफ़ी, लगभग 1.5-2 किलोमीटर का ट्रैक है जो अभी हमें करके जाना होगा इसी रास्ते से। और चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। पूरा रास्ता दोस्तों ये पत्थरों का ही बना हुआ है और अभी तो थोड़ा सा ये फ्लैट दिख रहा है, लेकिन आगे काफ़ी उबड़ खाबड़ था, अभी आप लोग देखेंगे। और रास्ते में आपको छोटी छोटी चाय की शॉप्स एक दो मिलेंगी, लेकिन काफ़ी थकावट वाला ये ट्रैक है।
लेकिन हाँ जब आए हैं तो वाटरफॉल भी देखना है। देखिए पहुँच गए हम वाटरफॉल। इस समय पानी बहुत कम था, इसमें बता रहे थे लोग कि थोड़ा सा रेनी सीजन में ये फुल रहता है बिल्कुल पानी से, और एक नदी आगे इसमें बहती है जो चली जाती है। ये देखिए यहाँ पे तीन चार शॉप्स बना रखी हैं, चाय मैगी बिस्किट्स और जो भी स्नैक्स हैं अवेलेबल वो यहाँ पर मिल जाते हैं। ये रास्ते में फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे उतर के ये जिप लाइन भी है यहाँ पे, ये पूरा इस एंड से दूसरे एंड तक ये कराते हैं जिप लाइन से। हम लोगों ने नहीं की लेकिन हमको आगे भी जाना था, जल्दी थी, लेकिन ये यहाँ पर अवेलेबल है जिप लाइन। देखिए ये उधर से गया और ये उधर से वापस आया। तो फ्रेंड बागेश्वरनाथ का जो टेम्पल है और वाटरफॉल हो गया, और अब चलते हैं इको पार्क। मैक्लोडगंज का जो इको पार्क है ये यहाँ से थोड़ा दूर है, जब वापस जाएंगे मैक्लोडगंज की तरफ धर्मशाला की तरफ तब पड़ता है ये, और लेकिन ये भी मस्ट विजिट प्लेस है फ्रेंड्स। ये देखिए याक खड़ी हुई है यहाँ पे सजी हुई फ़ोटो खिंचवाने के लिए, और ये मेन एंट्री है इस इको पार्क की, और बिल्कुल जंगल है अंदर, और काफ़ी मतलब अच्छे अंदर ये झूले और जो ब्रिज बना रखा है रोप से, काफ़ी मतलब एडवेंचरस है एक तरह से, और बच्चों के लिए तो मस्ट विजिट प्लेस है। बच्चे तो छोड़िए, बड़ों को भी बहुत मज़ा आएगा, हम लोग को भी बहुत मज़ा आया। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। फ्रेंड्स ये एक बहुत ही ओल्डेस्ट चर्च है, चर्च ऑफ सेंट जॉन्स इन द वाइल्डनेस। 1852 में ये चर्च बनी थी, और ये बिल्कुल इको पार्क के जस्ट सामने है, मतलब एक तरफ रोड के इको पार्क है और दूसरी तरफ ये चर्च है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे सामने है। तो चलिए चर्च भी चलते हैं और आपको दिखा देते हैं। बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे, और ये जो बिल्डिंग है, जो आर्किटेक्चर है इसका फ्रेंड्स, बिल्कुल ही डिफरेंट है, और मतलब देख के ही लगेगा आपको कि कितनी कितने सौ साल पुरानी है ये। 1852 में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था, और चलिए चलते हैं। काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है और एक फ्रेम में तो आती भी नहीं है, और काफ़ी बड़ा कैंपस है, बिल्कुल हिल्स पे बनी हुई, और मतलब अगर पुरानी स्ट्रक्चर पुरानी बिल्डिंग्स के हिसाब से देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और क्रिश्चियनिटी के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चर्च है ये इस एरिया की, रादर हिमाचल प्रदेश की। ये देखिए ये हम चर्च में खड़े हैं, और चर्च से ही इको पार्क दिख रहा है, जैसे मैंने बताया था कि चर्च के एक तरफ इको पार्क है और दूसरी तरफ चर्च है, तो आप बिल्कुल एक ही वक्त पे दोनों जगह कवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं एक दूसरी सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन मैक्लोडगंज की, जिसका नाम है नड्डी पॉइंट। फ्रेंड्स यहाँ आके आपको लगेगा कि आप बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड की वादियों में हैं, यहीं पर ये मेडिटेशन सेंटर भी है, और ये शॉप्स भी यहाँ पर लगी हुई हैं। तो चलते हैं नड्डी पॉइंट, और आपको वहाँ पे दिखाते हैं हिमालय की खूबसूरत चोटियाँ, बर्फ़ से लदी हुई, और लगेगा आपको कि बिल्कुल आप स्विट्ज़रलैंड में आ गए हैं। ये देखिए नड्डी पॉइंट का सेल्फी पॉइंट, अभी यहाँ पे भी फ़ोटो खिंचवाएंगे, और देखिए यही एक स्पॉट है जिसको नड्डी पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पर ये हैट्स कैप मिलती हैं, ताकि इसको पहन के किसी को फोटोग्राफी करानी है तो करा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल पास में लगते हैं ये माउंटेन्स, ये जो पहाड़ों की चोटियाँ हैं और बर्फ़ से लदी हुई हैं, तो
तो एक काफ़ी अच्छा व्यू आता है यहाँ पे, और काफ़ी फेमस जगह है ये मैक्लोडगंज की नड्डी पॉइंट के नाम से। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, महादेव जी का मंदिर है ये दुर्वेश्वर महादेव के नाम से। ये भी नड्डी पॉइंट जब जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है, तो चलिए चलते हैं। ये सीढ़ियाँ जा रही हैं मंदिर के लिए, और काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये भी, कई हज़ार साल पुराना मंदिर है कहते हैं ये। और देख के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत शांति मिली जैसा कि हर मंदिर में जाने से मिलती है। तो चलिए दर्शन करते हैं। ये देखिए हर हर महादेव, दुर्वेश्वर महादेव मंदिर के जो शिवलिंग हैं उनके दर्शन कर लिए, आप लोग ने भी किए होंगे। और अब चलते हैं। मोस्ट रिकमेंडेड प्लेस है, मस्ट विजिट है, आप लोग जरूर प्लान करिए मैक्लोडगंज, और साथ में हिमाचल की जो सारी देवियां हैं, जो सिद्ध स्थान है, शक्ति पीठें देवियों के, वो ज़रूर दर्शन करिएगा उनके। और मैक्लोडगंज के साथ साथ ये जितने भी स्पॉट्स मैंने बताया, बागसुनाग वाटरफॉल, दलाई लामा टेम्पल, टिबेटन कल्चर के जो टेम्पल्स हैं वो, और डल लेक और नड्डी पॉइंट, ये मेजर स्पॉट्स हैं मैक्लोडगंज में, वो सारे विजिट करिए। तो फ्रेंड्स अब ये पंजाब हरियाणा और हिमाचल की जो ब्लॉग्स की सीरीज थी अब यहीं फिनिश करते हैं, और अब नेक्स्ट यात्रा की प्लान करते हैं, और जब प्लान कर लेंगे तब आप लोगों को भी दिखाएंगे। और मेरे सारे ब्लॉग्स अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि वो लोग जब यहाँ इन लोकेशंस पे आएँ तो उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन एक रेडी मिल जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब तुरंत कर दें। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार एंड जय हिंद। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे ब्लॉग्स बहुत पसंद आए होंगे, और इनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको जब भी आप यहाँ आने का प्लान बनाएंगे हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो देवी दर्शन हो या धर्मशाला या मैक्लोडगंज जाना हो, और तो इससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये सारे व्लॉग फ्रेंड्स पसंद आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ये सारे व्लॉग्स आप खुद भी देखें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, ताकि उनको भी कभी यहाँ आएँ वो प्लान करें तो उनको भी हेल्प मिल सके। और हिमाचल प्रदेश दोस्तों मेरा एक फेवरेट स्टेट हो गया है, और सच में यहाँ पर जितनी साफ़ सफाई है वो कम ही देखने को मिलती है और जगह। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग्स में, तब तक के लिए नमस्कार और गुड बाय।